भिवानी के हनुमान जोहड़ी मंदिर धाम परिसर में युवा जागृति एवं जन कल्याण मिशन ट्रस्ट के द्वारा नवरात्रों के 9 दिवसीय कार्यक्रम के तहत बेटी उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत 109 कन्याओं को प्रसाद ग्रहण करवाया गया और सभी को पूजा और तिलक के साथ शगुन देकर सम्मानित किया गया। उत्सव मनाया गया है, 109 कन्याओं का पूजन किया गया है, उनको भोजन कराया, क्या करते हैं? जो ये चैत्र मास के नवरात्रे हैं और जो दूसरे नवरात्रे आते हैं शरद ऋतु में, तो दोनों ही बेटी सम्मान का कार्यक्रम हम समझ करते हैं, क्योंकि इन दिनों में हर घर में बेटी कंदकों को पूजा जाता है, बेटियों को पूजा जाता है, उनको सम्मान मिलता है, तो हमने भी उसी कड़ी में उसी बात को आगे करके बेटियों का यहाँ जो बेटी उत्सव कार्यक्रम किया है, 109 कन्याएं यहाँ सम्मानित हुई हैं, प्रसाद किया है और हमने उनको तिलक किया है और उनके चरण छू करके उनकी वंदना की है कि भगवान इन सब के जीवन बढ़िया रहे और ये सबको मैसेज देते रहे कि हम आपके लिए हैं और आपके हैं और आपका नाम रोशन करेंगे। तो बेटियां होंगी तो ये देश भी बचेगा और पीढ़ी भी बचेगी, तो हमें बेटियों को सम्मान करने का जो एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है उसके लिए भगवान का भी धन्यवाद हो। और नहीं, बेटियाँ बोझ नहीं हैं, बेटियाँ तो बोझ घटाती हैं, क्योंकि आज हम जहाँ भी देखते हैं तो बेटियाँ ही एक बाप के साथ में एक माँ के साथ में कंधे से कंधा मिला करके उनकी व्यवस्थाओं में उनका सहयोग करते हैं, तो मैं मानता हूँ बेटी जितना सहयोग और सारा पिताजी को देती हैं, परिवार को देती हैं, उनको संबल बनाती हैं, तो बेटियों का सम्मान होना चाहिए और बेटियाँ बोझ नहीं हैं, बेटियाँ बोझ को कम करती हैं। मैं युवाओं से भी, क्योंकि वो हर घर में हमारे कोई ना कोई बहन है, कोई बेटी है, तो हम पूरे देश की पूरे प्रदेश की जो बेटियां हैं, भाई बहनें हैं, उनको सब अपनी बहनें समझें, अपनी बेटियां समझें और उसी नज़र से देख करके उनको सम्मान की जो दृष्टि से देखें, उनको सम्मान दें। भिवानी से अमन शर्मा की रिपोर्ट। इसी प्रकार की अन्य खबरों को जानने के लिए बने रहिए यस टीवी के साथ।